नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्राइम टीवी आपके लिए लेकर आया है एक खास शो, एक ऐसा शो जिसमें हम आपको जुर्म की दुनिया की वारदातें बताएंगे जो अपने आप में अकल्पनीय है। ऐसी घटनाओं से आपको रूबरू करवाएंगे जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है और ऐसे गुनहगारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनके खौफनाक इरादे आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो। आज के वक्त में अपराध आम हो चुके हैं। आज कौन आपकी जान का दुश्मन बन जाए इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। घर से निकलने के बाद आप वापस घर आ पाएंगे या नहीं ये भी नहीं पता। ऐसे में हर एक इंसान अपने आप को घर की चार दीवारों में ही सुरक्षित महसूस करता है, पर क्या हो अगर कोई अपना ही आपकी जान का दुश्मन बन जाए, घर में बैठा कोई शख्स ही आपकी जान लेने को उतारू हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ये सनसनीखेज मामला सामने आया है औरैया से, जिसमें अपना खून ही जान का दुश्मन बन गया। देखिए रिपोर्ट। खून के रिश्ते का खूनी खेल, भाई बना भाई का कातिल, रात के अंधेरे में छीन ली जिंदगी, कुल्हाड़ी से काट कर उतारा मौत के घाट। हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है औरैया से, जहां जमीनी विवाद में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। 19 नवंबर 2021 की रात, जहां लोग घरों में कैद आराम फरमा रहे थे, वहीं अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव गणेशपुरवा में आरोपी जयप्रकाश अपने सगे छोटे भाई की मौत की कहानी लिख रहा था। रिश्तों के मायने भूल चुके जयप्रकाश के अंदर भाई के लिए प्यार खत्म हो गया था। जमीन के टुकड़े के लालच ने जयप्रकाश को इतना अंधा बना दिया कि उसे हत्या के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया, जिसके बाद आरोपी जयप्रकाश कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा छोटे भाई की हत्या करने। आधी रात को कत्ल करने के इरादे से जयप्रकाश अपने छोटे भाई सत्यप्रकाश के घर पहुंचा। सत्यप्रकाश उस वक्त अपने घर पर ही सो रहा था। उसी दौरान उसका बड़ा भाई जयप्रकाश आया और उसने अपने छोटे भाई के ऊपर हमला बोल दिया। हमला इतना जोरदार था कि सत्यप्रकाश को बचने का मौका तक नहीं मिला, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद अगली सुबह जब परिवार को पूरे मामले की जानकारी मिली तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छोटे हैं, किसने की? बड़े भाई ने। किस वजह से? खेती की बारिश से। अच्छा, और इनमें कौन कौन दोषी है? मैपाल हैंगे, नरेश हैंगे। ये मैपाल और नरेश का इनसे छोटे भाई से जिनकी मृत्यु, उनसे क्या संबंध है? संबंध नहीं, उसके साथ में इनकी सबकी बात ही। अच्छा, मिली भगत। हाँ, और मनोज हैंगे। अच्छा, कब की घटना है? एक बजे रात की। रात में? रात में सोते टाइम किया? सोते। बड़े भाई का क्या नाम जिसने? बड़े लाल जयप्रकाश। अच्छा, जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम? सत्यप्रकाश नाथी। वही मामले के बाद से आरोपी जयप्रकाश फरार बताया जा रहा है। वही परिवार वालों से घटना की जानकारी ली गई तो परिजनों ने बताया कि सत्यप्रकाश का पत्नी से तलाक हो चुका है, जिसके बाद से दोनों भाइयों में जमीनी विवाद चल रहा था। इसी के चलते जयप्रकाश ने रात में सोते समय कुल्हाड़ी से काट कर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। थाना अजीत मल के ग्राम पुरवा गणेश में जो है, आज दो भाइयों में आपस में जमीन की विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई को सोते वक्त रात में कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, जिसमें वो मृत हो गया। इसके बाद जो है हम लोग तत्काल पुलिस सूचना में, हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, डेड बॉडी को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
वहीं इस संबंध में सीओ प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी है। परिजनों ने फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ हत्या किए जाने की तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वहीं भाई ने शमशाद करने वाला एक मामला अजीतमल तहसील में देखने को मिला है। ग्राम गणेश कापुरवा में देर राति शुक्रवार को बड़े भाई ने छोटे भाई के सोते वक्त हत्या कर दी, जिसकी सूचना परिजनों को मिली। परिजन मौके पर पहुंचे, जिसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी प्रदीप कुमार जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होगा जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। प्राइम टीवी के लिए जहाद अख्तर की रिपोर्ट। और रिश्तों के कत्ल के बाद ये साफ हो गया है कि ना तो आप घर के अंदर सुरक्षित हैं और ना ही बाहर। ऐसे में जरूरी है कि हम हर एक कदम सावधानी के साथ उठाएं। तो चलिए इसी के साथ अब हम रुख करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक मुर्दा अपने आप जिंदा हो जाता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये खबर ही ऐसी है जिसमें कुछ घंटों के बाद एक मुर्दा अपने आप जिंदा हो गया। अक्सर ऐसा हम सब ने सुना है कि पुनर्जन्म होता है, मरने के बाद इंसान अपने आप जिंदा हो जाता है, लेकिन वो दूसरे जन्म में आता है और दूसरी शक्ल लेकर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें एक शख्स का पुनर्जन्म नहीं हुआ, बल्कि अपने मरने के 7 घंटे के बाद शख्स अपने आप जिंदा हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हादसा ऐसा जिसने उड़ाए सबके होश, जब मरने के बाद चलने लगी सांसें। तीन अस्पतालों ने बताया जिसको डेड, लेकिन 7 घंटे बाद धड़कने लगा दिल। फिल्में और सीरियल तो आप सब देखते होंगे, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि इंसान मरने के बाद जिंदा हो जाता है और चलने फिरने लगता है। लेकिन ये तो सबको पता है कि फिल्मों में कुछ भी हो सकता है, पर क्या हो अगर ऐसा ही कुछ सच हो जाए, मरा हुआ इंसान फिर जिंदा हो जाए। हम मरे हुए इंसान की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान की नहीं जो मरने का ड्रामा या नाटक कर रहा हो। जी हाँ, सही सुना आपने, ये मामला जिसने सुना वो सन्न रह गया, जिसमें मरने के बाद इंसान 7 घंटे के लंबे समय के बाद फिर जिंदा हो गया। ये किसी फिल्म या सीरियल की कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल स्टोरी है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच मामला है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मृत होने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस शव का पंचनामा करने के लिए जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस मृतक व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान देख रही थी, तभी उनको एहसास हुआ कि उसकी सांसें चल रही हैं। ये चमत्कार था या वहम, ये सबकी समझ से परे है। हर कोई मूक दर्शक बनकर मौजूरी में चस्का तस खड़ा रहा। मौजूरी में डॉक्टर ने तुरंत जाकर देखा तो उसके भी हाथ पांव फूल गए, और डॉक्टर ने इलाज के लिए दोबारा मृतक से मरीज बने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब इसकी जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो परिवारों में छाया मातम फिर खुशी में बदल गया। श्रीकेश नाम का युवक इस सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। श्रीकेश के जीजा ने बताया कि रात 11 बजे उन्हें फोन आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो गाड़ी लेकर मरीज को हॉस्पिटल ब्राइट स्टार ले गए, जहां अस्पताल स्टाफ ने साफ साफ कहा कि हमारे यहां सुविधा नहीं है, साई हॉस्पिटल लेकर जाओ।
साई हॉस्पिटल के डॉक्टर की टीम तो आ गई, लेकिन वहाँ वेंटिलेटर नहीं था। फिर थक हार कर श्रीकेश के जीजा उसको सरकारी अस्पताल ले गए। विवेकानंद पहुँचने पर वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने मरीज का चेकअप किया और मशीन लगाकर बोले कि मरीज की ना तो पल्स है ना बीपी है। फिर डॉक्टर साहब ने मरीज को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जिला अस्पताल में भी मरीज को ले जाया गया। ये पूरा मामला भी डॉक्टर को बताया गया, तो फिर डॉक्टर ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पूरी रात मृतक युवक का शव मोर्चरी में पड़ा रहा। उधर परिजनों को जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया और सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अच्छा, विस्तार से ये है कि सर, ये यहाँ रहते हैं मंडी समिति के पास में, इनका अपना क्वार्टर है भाड़े पे, ये नगर निगम में नौकर हैं लैम्प लाइटर पद पे, तो इनकी वाइफ वहाँ रहती हैं। इनकी वाइफ बकौल बता रही हैं कि 9:30 बजे इन्होंने दूध लेने भेजे। अब दूध लेने जैसे डिवाइडर पार करा, कैसा करा, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल का वाइजर सब टूटा पड़ा और उसकी फुटरेज तक टूटी पड़ी है। रात हमने जब यहाँ से जा रहे हैं बाद में हमने देखा, तो उसके बाद में मतलब ये हम फिर वहाँ लेके गए या डेंटल, ये लेके गए इनके घर वाले डेंटल, तब तक वहाँ नहीं आए थे डेंटल से। बाद में फिर वो ब्राइट हॉस्पिटल नया खुला, वहाँ जब आप पहुँचे तो वहाँ देखा कि मतलब भाई हालत गंभीर है, तो बोले भाई हमारे बस की नहीं है, इन्हें तुम साई ले जाओ। हम साई लेके पहुँच गए, साई वालों ने स्टाफ ने देखा, बोले साई बोले हम पर वेंटिलेटर नहीं है, इन्हें तुम कॉस्मोस ले जाओ। हम कॉस्मोस ना ले गए, विवेकानंद ले गए। विवेकानंद में उन्होंने देखा वाली गई, बोले ना पल्स है ना बीपी है ना कुछ भी नहीं है इसमें। शव मॉर्चरी में पड़ा रहा। सुबह पोस्टमार्टम की तैयारी होने लगी, लेकिन सुबह जानकारी मिली कि उनके घर के मृतक सदस्य में फिर से जान आ गई है और वो जिंदा हो गया है। जिसको इस बात का पता चला तो कोई इसको भगवान का करिश्मा तो कोई परिजनों की प्रार्थना का फल कहने लगा। इस खबर से परिजन एक तरफ खुश तो दूसरी तरफ हैरान भी हैं, क्योंकि जिला अस्पताल से पहले कई अस्पतालों और डॉक्टरों ने भी मरीज को मृत घोषित कर दिया था। जब इस पूरे मामले की जानकारी जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर शिव सिंह से ली गई, तो उन्होंने बताया कि श्रीकेश नाम के एक व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया था और उस समय ड्यूटी कर रहे डॉक्टर मनोज यादव ने पूरा चेकअप करने के बाद ही उसको मृत घोषित किया था और शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया था और मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। जबकि परिवार के लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल लाने से पहले और कई अस्पतालों में भी इसी प्रकार से श्रीकेश को मृत घोषित किया गया था। रात में डॉक्टर मनोज यादव इमरजेंसी ड्यूटी पे थे और एक मरीज जो है जिसका नाम श्रीकेश है, वो गंभीर अवस्था में शायद लाया गया था, जिसको उनके द्वारा देखा गया और वो जो है मॉर्चरी में इसको रखवा दिया गया। ब्रॉड कितने घंटे बॉडी लगी थी मॉर्चरी में? ये 3 बजे के करीब मरीज आया है सुबह जो है, वो ये जो है जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो वो जो प्रकरण हुआ देखा गया तो पुलिस वालों ने बताया कि शायद सांस चल रही है। CMS डॉक्टर शिव सिंह ने कहा कि ऐसे मामले बहुत रेयर होते हैं। जब कभी कभी व्यक्ति को चोट लगती है और उसको दवाइयां दी जाती है तो उनका असर बहुत देर बाद देखने को मिलता है। उस समय ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इस केस में भी यही हुआ है और दवाइयों का असर बहुत देर बाद हुआ, शायद इसकी वजह से एक बार फिर से उसकी सांसें चलने लगी है। अब इसको चमत्कार कहेंगे या लापरवाही, ये तो अस्पताल के डॉक्टर ही जाने, लेकिन वाकई अगर ये चमत्कार है तो अनसुनी अनकही और अद्भुत घटना से ये कम नहीं है। वाकई ये मामला अपने आप में फिल्मी था। जिस तरह से एक मरा हुआ इंसान जिंदा वापस हो गया, वो अपने आप में हर किसी को हैरान कर रहा है। वही इस मामले में डॉक्टर भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। अब ये लापरवाही थी या चमत्कार, ये तो अपने आप में जांच का विषय है। बहरहाल इस बदलते वक्त में जिस तरह से अपराध आम हो चले हैं, ऐसे में हम सबको जरूरत है सावधान रहने की और अपनों की शक्ल में छुपे अपराधियों को पहचानने की।
फिलहाल हमारे इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे शनिवार और रविवार को कुछ और इसी प्रकार की सनसनीखेज वारदातों को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइम टीवी।